मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करेंगे। इत्तेफाक से इसी दिन विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती भी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था और इसे 28 महीने में बना लिया गया। नए संसद भवन पुरानी बिल्डिंग से 17,000 स्क्वायर फीट बड़ा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। उद्घाटन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। नई बिल्डिंग के सिविल स्ट्रक्चर की सफाई शुरू कर दी गई है। इससे पहले 30 मार्च को प्रधानमंत्री नए भवन को देखने गए थे। वे यहां एक घंटा रुके और अधिकारियों से निर्माण की जानकारी ली थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि संसद की नई बिल्डिंग से अधिक सुंदर कुछ नहीं हो सकता। जब भारत अपनी आजादी के 75 साल मनाएगा, तिकोने आकार के नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था, यानी यह डेडलाइन से 6 महीने लेट तैयार हुआ है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।